और स्टैंड नाम को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और स्टैंड नाम को वैज्ञानिक ने किसी धारावाहिक चालक में धारा प्रवाहित कर उसके समीप चुंबकीय सुई को रखा तो उसने पाया कि चुंबकीय सुई में विक्षोभ उत्पन्न होता है। देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारावाहिक चालक में धारा की दिशा उत्सर्जित करने पर धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई का विक्षय भी बदल जाता है। विक्षय भी किसी धारावाहिक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।
का प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल का संसूचन किया जा सके। जैसे मान लो कोई चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है एन, ये इसका दक्षिण ध्रुव है एस। अब यदि चुंबक के चारों ओर लोहे के गोले को डाले तो लोहे का गोला विशेष लाइनों के अंदर सर्किट हो जाता है। यहां तक चुंबक के द्वारा लगाया गया बल है वो यहां तक चुंबक के क्षेत्र है, तो ये पूरा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल का संतुलन किया जा सके वो कहलाता है चुंबक के क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक द्वारा लगाए गए बल का संतुलन किया जा सके उसे चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल का संसूचन क्या होमा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल का संतुलन किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर जहां तक ये लोहे का बुरादा संरेखित होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। ज्यों-ज्यों बुरादे को दो चुंबक से दूर लगे ले जाएंगे तो चुंबक के क्षेत्र खत्म हो जाएगा और यह जगह समाप्त हो जाएगी। अब चुंबक के क्षेत्र देखें,
चुंबक क्षेत्र रेखा है, चुंबक के क्षेत्र के चारों ओर लोहे के गोले को संरेखित करते हैं तो ये निश्चित रेखाओं में संरेखित हो जाता है। यदि इन रेखाओं को अपन मिला दें तो ये काल्पनिक रेखाएं बन जाती है। ये इन काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो परिवर्तन होगी, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो दिशाएं होती है। चुंबक के भीतर की ओर अपन देख रहे हैं तो ये इनकी दिशा एस से एन की ओर होती है, इधर वाले सिरे से अपन देख रहे हैं तो इनकी दिशा एस से एन की ओर होती है, ये बंद वक्र होती है। तो चुंबक के क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहला गुण है ये काल्पनिक होती है, वास्तव में अपन लोहे के गुरुत्व को मिलाते हैं रेखा प्राप्त होती है, ये काल्पनिक होती है। ये बंद वक्र होती है, तीसरा यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है। देखो विद्युत लीकेज होती है उत्तरी ध्रुव से और वापस चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से, यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चौथा गुण है चुंबक के भीतर की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है, तीर का निशान देखो अंदर जा रही है, इसलिए कहते हैं अपन चुंबक के अंदर जाती दिखाई दे रही है। चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से कभी नहीं काटती है,
यदि काटी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती है।